अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह ताला का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत होंगे। आज हमारे पास कुछ होनर की डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई हैं। ये वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरी ही वीडियो देखेंगे और इस पर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप पहले इससे जान चुके हैं तो आपको मालूम होगा ये एक ऐसी कंपनी है जो कि कुछ अर्सा पहले हवावे कंपनी के साथ आते थे मोबाइल, उनके साथ इनका कोलाब होता था, कहने के होनर हवावे होनर आता था मोबाइल्स, लेकिन ये बाद में इनका कोई गूगल के साथ खड़ा हुआ और ये मार्केट में आना बंद हो गए थे। लेकिन काफी लंबे अरसे के बाद होनर सीरीज की कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि मार्केट में दोबारा से लॉन्च हो चुकी हैं। ये कुछ तकरीबन लास्ट मंथ लॉन्च हुई हैं, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने कहा चले अपने व्यूवर्स को ये डिवाइसेज भी दिखाते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्राइस बजट में आ रही है जो कि ओप्पो वीवो की प्राइस अगर जो भाई कम करते थे उनकी प्राइस काफी ज्यादा हो चुकी है। जिनकी एवरेज प्राइस होती थी 30,000 के बजट में, अगर कोई बाय करना चाहता था तो ओप्पो और वीवो की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो ऐसे दौर में आपके लिए एक अच्छे ब्रांड की अच्छी डिवाइसेज हैं हमारे पास। होनर की डिवाइसेज हैं तीन, होनर X5 प्लस है, होनर X6 है, सेकंड डिवाइस जो हमारे पास है वो है जी होनर X6A है, तीसरी डिवाइस हमारे पास है होनर X5 प्लस। ये तीनों डिवाइसेज 4GB रैम के साथ हैं, 64GB स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाती हैं। और एवरेज फोन है जिन भाइयों का बजट होता है 30,000 रुपए, ये स्पेशल वीडियो उन भाइयों के लिए है। और स्पेशल डिवाइसेज हैं जो कि आप इन्फिनिक्स टेक्नो के लेते हैं, उनको अगर पसंद नहीं करते, जो भाई इन्फिनिक्स टेक्नो पसंद करते हैं तो डेफिनेटली वो इन्फिनिक्स ही लेते हैं, क्योंकि इस बजट में वो आपको 1 TB-8GB स्टोरेज दे देता है 30,000 के बजट में। जबकि ये अगर कोई भाई उनको पसंद नहीं करता और चाहता है कि मैं किसी अच्छे ब्रांड की तरफ जाऊं, अच्छे तो इन्फिनिक्स वाले भी काफी मोबाइल होते हैं, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं इनसे भी ज्यादा अच्छे ब्रांड में जाऊं, तो ये ऐसी डिवाइसेज है मेरे ख्याल में जो आपको इन्फिनिक्स के मॉडल से ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिक्स की होनर X5 प्लस, जो कि 4GB रैम के साथ है, 64GB स्टोरेज के साथ है। ये रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है। इससे पहले जो इसकी डिवाइस आ रही थी काफी लंबे अरसे से वो है होनर X6, ये भी 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ है। इसकी जो प्राइस बजट है वो आपको मिल जाती है बहुत ही कम, मैं वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इनकी कुछ स्पेक्स बता देता हूँ। जो कि ये होनर X5 प्लस की बात करते हैं तो ये 50 MP बैक कैमरे के साथ देखने को मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा मिलता है, जबकि फ्रंट कैमरा इसका 5 MP मिलता है, 5000 mAh बैटरी है जो कि 10 W के फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ देखो मिल जाती है। LCD की बात करते हैं तो 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है इसमें, TFT LCD इसमें देखने को मिल जाती है जो कि 720x1612 pixels आपको इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है, टाइप सी चार्जिंग स्पीड के साथ मिल जाता है। और प्राइस बजट इसका आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ हमसे जो है होनर X5 प्लस का प्राइस आपको मिल जाएगी, कंपनी प्राइस इसकी 27,000 है, जबकि हमसे आपको ये मिलता है 25,500 रुपए में, ये हमसे आपको मिल जाएगा होनर X5 प्लस। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, 50 MP बैक कैमरे के साथ। और क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी इनकी तकरीबन इन्फिनिक्स टेक्नो से बहुत ज्यादा बेस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, आप चाहते हैं कि हमें अच्छे ब्रांड का फोन मिले, तो ये डिवाइस आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, एक बार इसको ट्राई करके जरूर चेक कीजिएगा होनर X5 प्लस। शेप की बात करते हैं तो बैक साइड पे इसकी जो रिसेंटली MI की डिवाइस लॉन्च हुई है Redmi 13C और Redmi Poco C65, इनकी शेप कदरे तीनों की सेम मिल जाती है। बैक साइड पे 50 MP आपको मैं बता चुका हूँ, सेंगर कैमरा 0.08 MP का इसमें वाइड कैमरा मिल जाता है, थर्ड इसमें आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, फ्रंट 5 MP सेल्फी कैमरा है, 5000 mAh बैटरी है जो कि 10 W की फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ है, और प्राइस इसकी आपको मिल जाएगी सिर्फ 25,500 रुपए में। तीसरी डिवाइस हमारे पास है होनर की S6A, ये भी लास्ट मंथ लॉन्च हुई है। इसकी बैटरी की बात करते हैं 5000 mAh बैटरी है जो कि आपको फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ मिल जाती है, टाइप सी केबल के साथ मिलती है, IPS इसमें TFT स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो कि जिसमें MediaTek Helio का G36 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करते हैं 720x1600 pixels इसमें भी आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसकी कंपनी प्राइस है 32,000 रुपए, जबकि हमसे आपको मिलता है ये सिर्फ 30,200 रुपए में आपको हमसे मिल जाता है होनर X6A। तो इसके बाद जो तीसरी डिवाइस हमारे पास है वो है होनर X6 है, इसकी भी 5000 mAh बैटरी है, फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट के साथ है, TFT LCD टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, 50 MP बैक कैमरा है, 8 MP इसका आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है, IPS LCD है, 720x1600 pixels इसमें आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन